हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के केमिस्ट्री विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विरंजक चूर्ण, इस पे इसके पहले मैंने आपको धावन सोडा, ब्रेकिंग सोडा और ये अब इस समय मैं ब्लीचिंग पाउडर का वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इससे बोर्ड लगभग 5 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछता है, और इसे आप लिखना होता है कि इसका रासायनिक नाम लिखिए और इसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधि उपयोग लिखिए। तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। बस इतना ही आप याद कर लीजिए जो वीडियो में बता रहा हूँ, और या किसी कापी पर लिख लीजिए। आप किसी ट्यूशन पढ़ते हैं तो उसे छोड़ दीजिए और हमारे इस चैनल पर पढ़िए। डेली आपको नई नई वीडियो मिलेंगी, और कोर्स से ही वीडियो मिलेंगी कि नहीं बाहर से मिलेंगी, बस आपको ये वीडियो देखना होगा। बस देखिए, आप यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो को देखना करते हुए। देखिए, इसके अन्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे इतना मैंने 4-5 नाम लिखा खोज खोज करके आपके लिए। सिर्फ इसके नाम है ब्लीचिंग पाउडर, या तो आप ये नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं याद रहा आपको तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या तो ये भी नहीं याद होता रहा तो कैल्शियम क्लोरोहाइकोक्लोराइड, ये आप लिख लीजिए और अपने क्लास में बताइए सबको। यहाँ पे देखिए अगला, ये भी नहीं बोल सकते हैं तो क्लोराइड ऑफ लाइन। इसी देखिए, आपको कितना नाम बता दिया मैंने, 1 2 3 4, 4 नाम आपको बताया, ये आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। और देखिए हम अगला देखते हैं, इसका अणुभार, अणुभार भी इसका परीक्षा में पूछता है, और 127 होता है इसका अणुभार। बनाने की विधि, बनाने की विधि की हम बात करते हैं हम लोग। बनाने की विधि इसकी है, विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि आप भुजा चूना ले लेंगे, CaOH का होल ट्वाइज प्लस Cl2, जब इसे आप ले लेंगे आपस में, इसके गर्म करेंगे तो यहाँ से आपको CaO2Cl2 विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, और प्लस जल भी प्राप्त होगा। तो ये सिंपल, इसका फार्मूला आपको बहुत ही सिंपल है। आप बस जैसे भुजा चूना लेंगे और इसके बाद आपको Cl2 प्रवाहित कर देंगे, उसके बाद आपको ये CsOCl2 प्राप्त हो जाएगा और प्लस जल भी बन जाएगा। तो हम लोग इसका भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण में है आपको, देखिए पहला इसमें है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, दूसरा स्टेप है इसका। और तीसरा स्टेप है, इसका जली भी लेन दूधिया हो जाता है। और जो चौथा इसका है, यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी कि जल में बहुत कम घुलता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको कि आपका समय बर्बाद ना हो और आपको अच्छे से हमारा समझ में आए। और समझ ना आ रहा है तो आपको कमेंट कीजिए कि सर समझ नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको क्या क्या लिखना है, ये भी पहला स्टेप इसमें, गर्म जल से क्रिया कराने पर, जब गर्म जल से क्रिया कराएंगे तो इसके विरंजक चूर्ण को जल में गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यानी कि जब इसे आप CaOCl2 प्लस H2O को, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो मैंने यहाँ पे भुजे चूने और क्लोरीन की प्रवाहित करने पर प्राप्त हो रहा था, वही इसमें सिंपल है। बस उसे वही उत्पाद को, जो प्राप्त हुआ उत्पाद को, उसी उत्पाद को लेकर के हम जब हम गर्म फिर से करेंगे तो यह अपने ही रूप में दोबारा जैसे जिस तरह बना था उसी रूप में फिर टूट जाएगा। यानी कि देखिए, CaOH का होल ट्वाइज प्लस Cl2 इसी भाग में टूट जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग आगे, इसका सेकेंड स्टेप है रासायनिक गुण का, यहाँ पे ऊष्मा का प्रभाव। इसे ऊष्मा का प्रभाव होगा, इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 में देता है। जब ये गर्म कर देंगे, वो सेकेंड स्टेप था, तो उसे आप ये प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 प्लस ऑक्सीजन देगा। यानी कि जब इसे गर्म करेंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैंने बताया आपको इतना याद करना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर आपका क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उपयोग, इसका उपयोग में क्या उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीवाणुनाशक के रूप में, और इसका सेकेंड स्टेप मतलब दूसरा प्रयोग इसका कर सकते हैं, जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग होता है। यानी कि जो कभी कभी यहाँ पे जैसे टंकी उंकी होती है, वहाँ पे लोग डाल देते हैं यही कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को डाल देते हैं, जिससे पानी में जो कीटाणु होते हैं मर जाते हैं,
और पानी शुद्ध होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होते इसे ये जल पीने से। यहाँ पे इसका तीसरा उपयोग लिया जाता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, यानी कि जो ऊन ऊन सिकुड़ जाते हैं, यदि आपका कोई स्वेटर जो है वो कोई भी कपड़ा जो लगभग सिकुड़ जाए तो उसमें आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को मिला देंगे, बाज़ार से में मिलता है ये, और इसे आप मिलाने के बाद ये आपका जो कपड़ा होता है आपका एकदम जैसे प्रेस किया होता है उसी तरह आपको लगने लगेगा और आपका कपड़ा में कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।